अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हमारी किचन में बनने वाली है कलेजी। तो सबसे पहले मैंने एक तवा ले लिया है, आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं वैसे, लेकिन ये तवा कलेजी है तो मैंने इस तवा यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, उसे हल्का सा हीट अप करके बिल्कुल लो फ्लेम करके मैंने उस पर चिकन की कलेजी ऐड कर दी है। आपने इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट्स अच्छे से फ्राई करना है, जब तक हमारी कलेजी का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। और साथ ही साथ मैं यहाँ साइड्स चेंज कर रही हूँ ताकि जो पीसीज हैं वो चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और हमारी कलेजी जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। यहाँ पे आपने नमक ऐड नहीं करना, और वो क्यों नहीं करना उसकी वजह मैं आगे आपको जाके बताती हूँ। अपने कलेजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसे 5 to 7 मिनट्स ही मैं मज़ीद फ्राई करूँगी। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और लाइक ज़रूर किया करें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। और अब हमारी कलेजी बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है नमक। और नमक सबसे लास्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि अगर आप पहले ऐड कर लेंगे तो आपकी जो कलेजी है बहुत सख्त हो जाएगी। तो आपने कभी भी कलेजी बनाते हुए, आप किसी भी तरह की कलेजी बनाएं, तो आपने नमक बिल्कुल आखिर में ऐड करना है ताकि आपकी कलेजी हमेशा सॉफ्ट रहे। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस और हरा धनिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।